तो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं अशरफ गेमिंग। ये है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 7, जो कि लास्ट एपिसोड आप लोग देखे होंगे, जो कि हम गए थे नेदर में बोन ब्लॉक कलेक्ट करने के लिए। हमारे घर के लिए जो स्प्रूस लॉग है ना, उसको उगाने के लिए बोन ब्लॉक कलेक्ट करने के लिए गए थे। तो वहाँ पर जाके घास से काफ़ी ज़्यादा बार मर चुके थे और बोन ब्लॉक कलेक्ट करने के लिए ही नहीं दिया घास ने। तो काफ़ी ज़्यादा मारपीट करने के बाद हम लोग ने इधर से वापस आ जाके जो कि स्प्रूस लॉक को कलेक्ट किया था, जो कि मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा आसान से ही कर लिया मैंने। तो आज हम लोग स्प्रूस लॉक से बनाने जाने वाले घर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा, तो बनाएंगे जो कि अच्छा सा घर होगा वो। तो फिलहाल उसके लिए जो जो सामान चाहिए मैं उस सारा का सारा कलेक्ट कर लिया, जो कि देख सकते हो आप लोग, स्प्रूस लॉग और ये डीप स्लेट, ओबल डीप स्लेट। तो चलो बाहर चल के थोड़ा बहुत साउंड बढ़ा लेके बाहर चलते हैं। चल के अब मैं घर इस तरफ जो कि यह ब्रिज है ना, उसके रूबरू बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा घर का जो एंट्रेंस और ये ब्रिज का जो ब्रिज है ना, जो चढ़ते हैं ब्रिज पर, उस साइड होना चाहिए। तो उसी के लिए मैं देख रहा हूँ। तो फिलहाल इसको यहाँ से देख लेता हूँ, ये ब्लॉक मैंने, ये ब्लॉक होगा, तो इसको ले चलते हैं आगे तक, जो कि वो हमारा घर है ना, यहाँ तक यहाँ लगा देते हैं और इसको थोड़ा बहुत सेंटर में लगा देते हैं, इसको तोड़ देते हैं। तो अब देखो ये ब्लॉक, नहीं, ये नहीं लग रहा मुझे, ये ब्लॉक लग रहा है मुझे, तो इसको तोड़ देता हूँ। तो अब हमको यहाँ से 4 ब्लॉक की गैप छोड़ के यहाँ एक ब्लॉक लगाना, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। तो 4 ब्लॉक गैप हो चुका है। तो अब हमको लगाना है यहाँ पे कॉबल स्टोन, जो कि हमारा घर का लेआउट होगा ना, वो कॉबल स्टोन से ही बनाने वाला हूँ मैं। तो कॉबल स्टोन ले के आ चुका हूँ मैं, इसको तोड़ के यहाँ पे कॉबल स्टोन रख देता हूँ। तो अब यहाँ एक ब्लॉक, ये 2 हो गया 3 4 और ये 5 5 ब्लॉक का लगा रहा हूँ, और इस तरफ भी सेम वैसे ही करने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे एक, इसको तो 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ से जो लेना है कट कर देता हूँ, 3 3 ब्लॉक यहाँ पे लगाना है मुझे यहाँ से। तो अब मैं फटाक से आप लोगों के फ्लोर कंप्लीट कर देता हूँ, आप लोगों को समझाते बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो फाइनली मैंने कंप्लीट कर दिया जो लेआउट है हमारे घर का, और ये जो लेआउट है ना, जो इसको यहाँ से खींच देता हूँ, घर का है डोर, यहाँ से एंटर हो गए हम। तो ये रहा डोर का एंटर। तो ये है हमारा जो लेआउट, जो इसको 2 ब्लॉक एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने यहाँ पे, इसको तोड़ देता हूँ। तो ये है पूरा का पूरा लेआउट, और इसमें ये जो जगह है ना, ये आ चुका है, और इसको पूरा का पूरा मुझे क्लीन कर देना है। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ फटाक से। ये वुड हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, जो कि नीचे फ्लोर बनेगा ना, जो ये बर्च और ये ओक लॉग वुड से बनेगा, जो कि डायगनल में बनाने वाला हूँ मैं, लोगों को पता होगा उसमें। फटाक से मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, तोड़ के आप लोगों से दिखता हूँ मैं। तो फाइनली मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने, ये देखो सारा सारा एयरप्लेन कर दिया। और यहाँ पे बनाने वाला हूँ मैं अब फ्लोर, जो कि ओक और बर्च के प्लैंक से बनाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले कहा है, इसको मैंने बनाने वाला हूँ डायगनल में, जो कि आप लोग देखो यहाँ कैसे दिख, ऐसे ही डायगनल में बनाने वाला हूँ मैं। और इसको यहाँ से इस तरफ खींचूँगा, ये यहाँ से लास्ट तक कनेक्ट कर दूँगा मैं, और इसको यहाँ तक कनेक्ट कर दूँगा। तो इसको कनेक्ट करने के बाद, फिलहाल शाम हो रही, शाम होने,
मैं माइनक्राफ्ट में चकना अलाउ नहीं है, अलाउ है, मुझे डर लगता है भाई वापस आके मुझे काम मार देते कह के। ओके सुबह हो चुकी है तो अब चल के मैं बता देता हूँ इसको कैसे बनाने वाला हूँ मैं। तो ये देखो मैंने यहाँ तक ऐसे डायगनल में खींच दिया इसको, और इसमें बीच यहाँ ऐसे लगाऊंगा और बीच में लगा दूंगा बर्च के प्लैंक्स जो कि दिखने काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं मिलता हूँ इसको कंप्लीट करने के बाद, ये एंजॉय करिए आप। तो फाइनली मैं ये पूरा पूरा फ्लोर कंप्लीट कर गया। फिलहाल स्केलेटन्स को मार देता हूँ मैं यहाँ से, बहुत परेशान करेंगे, कुछ ही जल के मरने वाले हैं क्योंकि दिन हो चुका है। तो देखो मेरा पूरा पूरा फ्लोर कंप्लीट हो चुका है, दिखने में कैसा लगेगा। और अब लगाने वाले हैं हम लोग यहाँ पे वॉल्स जो कि वो क्लॉक से हो गए, क्योंकि मेरे पास नहीं है अब। तो फिलहाल मैं जाके उसको ले आता हूँ जो कि वो सारा का सारा सामान मैंने जो चेस्ट दिख रहा है ना इसमें रखा है। अरे चेस्ट ओपन करना है, चेस्ट ओपन कर लिया। और यहाँ पे थोड़े बहुत ओक स्प्रूस लॉग ले लेते हैं, सॉरी ओक कह रहा हूँ मैं, स्प्रूस लॉग ले लेते हैं इसको जो मेरे इन्वेंटरी स्लॉट्स में रख देता हूँ। तो अब देखो ये जो स्प्रूस लॉग्स है ना इसको मैं यहाँ से, ये यहाँ से चार ब्लॉक ऊपर खींचने वाला हूँ, एक दो तीन और ये चार। अरे किसने मारा मुझे, स्केलेटन है क्या आसपास? नहीं किसने मारा मुझे, पता नहीं किसने मारा मुझे, तो छोड़ो उसको। तो यहाँ से देखो ऐसे अपना चार लॉक्स लगाए हैं ना हम, तो इसको हम लोग करने वाले हैं स्ट्रिप, इस तरह एक से स्ट्रिप करने वाला है जो कि ये बन जाएंगे स्ट्रिप फुट लॉक्स जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेंगे। तो इसको पूरा पूरा कंप्लीट करने के बाद ये अच्छा लगेगा दिखने में। तो इसको ऊपर और चार ब्लॉक्स खींच देते हैं, तो ऐसे पूरा का पूरा वॉल खड़ा कर देना है हमको। तो इसको यहाँ से लगा रहते हैं, दिखने में काफ़ी ज़्यादा लगाने में दिक्कत नहीं होगी दिखने में ज़्यादा। तो बारिश भी शुरू होगी भाई, चलो इसको यहाँ से तीन ब्लॉक्स ऊपर ऊपर खींचते चलते हैं। तो इसको मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। तो फाइनली मैं इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया, ये देखो ऐसे दिखता है। जो ये अभी एक फ्लोर का है, इसमें और एक फ्लोर बनने वाला है, तो वो फ्लोर बनाने के लिए हमें ऊपर बनाना है जो एक की छत जो कि बनने वाला है, ये जो डीप स्लेट का स्लैब होता है ना जो कि है टाइल्स, डीप स्लेट टाइल्स। तो फिलहाल मैं स्टेयर्स क्राफ्ट करने के लिए आया हूँ क्योंकि नीचे की तरफ मुझे लगाना है स्टेयर्स, जो कॉबल स्टोन का बाउंड्री है ना उसको कवर करने के लिए मैं इसे लगाने वाला हूँ। तो ये इनफ है, इतने सारे ज़रूरत की नहीं। तो इसको हम लोग रख लेते हैं यहाँ यहाँ पे। चलो ये देखो ऐसे लगाने वाला हूँ मैं पूरा का पूरा, जो कि कॉबल स्टोन को ढक देता है और ये दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है स्प्रूस लॉक से, स्प्रूस लॉक से ही नहीं काफ़ी सारे के सारे ओक लॉक से भी अच्छा लगता है और बर्च लॉक से भी अच्छा लगता है। तो इसको यहाँ से दिक्कत हो जाएगी थोड़ा बहुत, एडजस्ट कर लेंगे। तो ये गलती लगा दिया मैंने, तो फाइनली मैंने ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। ये देखने में ऐसा लगता है अच्छा दिखना ना, तो इसीलिए मैं डीप स्लेट को लिया है। अब हमें बनाने वाला है ऊपर का फ्लोर, तो वो भी हम जैसे नीचे बनाए हैं ना वैसे ही बनाने वाला है। तो फ्लोर बनाने के बाद हम लोग बनाएंगे छत जो कि स्लैब से बनने वाला है, बार बार नीचे आने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैं क्राफ्ट करके ले जा रहा हूँ। तो चलो
चल रहे थे फिलहाल। फिर से किसने मारा भाई मुझे? पीछे गए, पता नहीं चल रहा है, तो छोड़ो उसको। तो अब हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पे भी फ्लोर, क्योंकि नीचे जो बनाया है ना ऐसे ही बनाने वाले हैं, तो उसको दिखाने का टाइम वेस्ट नहीं करने वाला मैं, तो उसको फटाक से मैं कंप्लीट करके आप लोगों को मिलता हूँ। जैसे नीचे बनाया है वैसे ही, तो उसको दिखाने में ज़रूरत नहीं है। चलो उसको मिलता हूँ कम्प्लीट करने के बाद। तो फाइनली मैं पूरा का पूरा फ्लोर कंप्लीट कर दिया मैंने, और ये जो स्टेयर्स लगाए हैं मैंने नीचे की तरफ जाने के लिए, ऐसे नीचे आते हैं। और यहाँ पे मैं बनाने वाला है एक जैसे छोटा सा रूम, जो कि इसको कवर करने वाला हूँ मैं जो स्प्रूस लॉग्स है इससे से, क्योंकि यही अंदर का डार्कनेस को भी यही अच्छा दिखने वाला है। तो इसको 3 ब्लॉक्स लगा के और ऊपर 1 ब्लॉक लगा देता मैं, तो यहाँ पे भी 3 ब्लॉक्स लगा देता हूँ। इस तरफ एक और स्प्रूस लॉग खत्म हो चुके हैं क्या? तो फिलहाल मैं जाके स्प्रूस लॉग लेके आता हूँ। मैं स्प्रूस लॉग लेके आ चुका हूँ और इसे गलती लग गया भाई, तो उसको तोड़ के और यहाँ पे भी 3 ब्लॉक लगा देता हूँ। 3 ब्लॉक ऐसे लगा के भाई, बाहर खतरनाक बारिश हो रही है भाई, तो बारिश में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरा का पूरा। तो लाइक कर दो वीडियो पसंद आए तो यहाँ से लगा देते हैं। और यहाँ पे लगाने वाले हैं हम लोग ये जो दो स्प्रूस, यहाँ पे भी लगा देते हैं जिसे कवर करने वाले हैं हम लोग ये पर्च प्लैंक्स हैं यहाँ तक, इसे ऊपर भी ढक देने वाले हैं हम लोग जैसे, तो ये कवर कर देते हैं पूरा का पूरा यहाँ तक कवर कर दिया हमने। तो बाहर अब हम लोग को ये जो है ना यहाँ पे स्लैब लगा देना है हमको, स्लैब ऐसे ऐसे लगा देना है स्लैब, पूरा पूरा लगा दिया हमने। तो यहाँ एंट्रेंस जाने के लिए छोड़ देते हैं हम लोग। तो फिलहाल ये जो स्प्रूस लॉग है ना इसको हम लोग स्ट्रिप कर देना है, तो उसको भी स्ट्रिप कर देता हूँ मैं 1 सेकेंड। तो मैं पूरा का पूरा काम करके ऊपर आ चुका हूँ, क्योंकि ऊपर का वॉल भी खड़ा कर दिया मैं। तो अब हम लोग यहाँ पे लगाने वाले छत, जो कि डीप कॉबल्स कॉबल डीप स्लेट के स्लैब हुए उससे बनाने वाले हैं। फिलहाल इसको स्लैब को मैं कनेक्ट करने वाला हूँ लास्ट ये वॉल तक, ये वॉल है ना यहाँ तक मैंने कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ से ले जाना है। तो यहाँ से ये इसको बाहर खींचना है थोड़ा बहुत, इसी को भी खींचना है बाहर को, जो ऐसे ही बनाने वाला है मैं। तो इसको और ज़्यादा ऊपर बनाना है, यहाँ पे एक लगा के आप इसको तोड़ देते हैं, ये पास देखने में अच्छा नहीं लगेगा। 1 सेकेंड मैं यहाँ से खींच जाऊँगा नीचे, तो यहाँ से तोड़ के भाई नीचे गिर गया वो, तो छोड़ो उसको नहीं लेते पास काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ से इसको लगा देते हैं और इसको खींच देते हैं लास्ट दीवार तक। तो ऐसे खींच देते हैं, तो इसे यहाँ तक अटैच कर दिया, इसको ऊपर एक और लगा देते हैं, तो इसको भी खींच के ले जाते लास्ट। फाइनली मैं एक साइड का रूफ कंप्लीट कर दिया, देखो अभी से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और बीच और राइट साइड का जो रूफ है ना उसको कंप्लीट करने के बाद काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है, और विंडोज़ और उसके बाद में लगाने वाले चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है का। तो चलो तो उसको भी कंप्लीट करके मिलता हूँ आप लोगों को। तो देखो गाइस मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है, जो कि ऐसे देख रहा है हमारा घर, जो कि पूरा का पूरा कंप्लीट होने के बाद ये अभी पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि तो इसमें लगाना है विंडोज़। अब देखो ये जो घर है पूरा का पूरा कंप्लीट है, जो कि सामने के छत भी मैंने बदला दिया, क्योंकि बीच में का छत भी काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा था, इसीलिए मैं तीनों की छत को एक ही जैसा कर दिया।
और अब ये देखने को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने अंदर में लाइटिंग भी कर दिया, थोड़े बहुत टॉर्चेस लगा दिए, मॉब स्पॉन ना हो, ऊपर की तरफ भी कुछ ऐसा ही कर दिया मैंने। यहाँ पे लगाने वाला हूँ मैं जो ये स्टोरेज होना बैरल्स लगाऊँगा। यहाँ से नीचे चलने के बाद हम किसी एक तरफ बेड लगा देंगे, तो इसको भी हमको हटाना है तो बदला देंगे, तो पूरा का पूरा आउटलुक घर का ऐसे दिखने वाला। तो एक सेकेंड उधर मैंने छोड़ दिया कुछ, तो इसको फिक्स कर देता हूँ मैं फिलहाल। जल्दी से छूट गया भाई, मैंने देखा नहीं था, मेरे पास थोड़े बहुत फ्लैप और भी बचे हैं, तो थोड़ा बहुत डाल के ऊपर चल के इसको कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे दो बच चुके हैं, तोड़ दिया होगा शायद मैंने, तो चलिए बना दिया मैंने, चलो नीचे चलते हैं। अब हो गया, तो अब देखो हमारे घर का लुक कैसा लगने वाला है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में बता दो। और भी काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है इस घर में, जो कि इसका एक्सटीरियर ही कम्प्लीट हुआ है और इंटीरियर अभी बाकी है, तो आप लोग कमेंट्स में बता देना इंटीरियर में क्या क्या लगाना चाहिए हमको, जैसे ही आप लोगों को अच्छा लगा वैसे ही करने वाला हूँ मैं। तो बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, और पास में बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।